छोड़ो यार दुनिया भर का टेंशन, पेपर में क्या है देखते हैं। रोहित शर्मा की हुई गिरफ्तारी, बेसबॉल की गांड मारते हुए पाए गए। अरे नहीं भाई, नहीं समझ आ रहा मेरे को यार। अंबानी की शादी में रोहित हार्दिक का झगड़ा, सचिन ने बैट के ग्रिप से रोकी लड़ाई। भाई ये क्वेश्चन तो 12 के एग्जाम से भी ज्यादा टफ है यार। अबे क्या हुआ सुअर? अरे टूटू भाई ये मेरे को पूछ रहा है आईपीएल के पहले मैच में कौन जीतेगा। अबे जीतेगा तो वही जिसकी बैटिंग अच्छी होगी। अरे बैटिंग में हमारा हाथ कोई पकड़ सकता है क्या? अबे हाथ क्या, हम तेरा वो भी पकड़ लेंगे। हाथ दे लाए तो हमारा पकड़ेगा कोई शक, और हम तुम्हारा पकड़ के तुम्हारे अंदर डाल देगा। हाथ दे ला, शॉट्स फायर। अभी तो एक बारी हमारी ओपनिंग देख के मुंह निकल जाएगा तेरा। हमारी ओपनिंग माई करेगा, इतना मारेगा तेरा बोला टट्टी करेगा। तो बहुत हार्ड डेला है बॉस। अबे मैं ऐसी टीम में ना प्लेयर को यहाँ से उठाते और स्टार बनाते, फिर फिक्सिंग करके उनको 2 साल बाहर बैठाते हो। बताओ यार एक तरफ है ये आरसीबी वाले, हाँ हमी, इनकी टीम में एंट्री करने के लिए पहले चोकिंग की पीएचडी करनी पड़ती है। और यही नहीं, दूसरी तरफ है सीएसके वाले, 5 times चैंपियन, इनकी टीम में एंट्री करने के लिए पहले 2 बच्चों का बाप बनना पड़ता है। ओ क्या ही रोज कर रहे हो टोडू भाई। और ये नल्ला क्रिक मिनिस्टर, मैं इस नल्ले की वीडियो में आने के लिए पहले 50 कपड़े बदलने पड़ते हैं। लोंडो आज अपने चैनल पे होने वाला है बवाल, क्योंकि लोंडो आज हम करवाने वाले 2 टीमों के बीच में घमासान। भगवान भरोसे बैंगलोर 11 वर्सेस चेन्नई सीनियर सिटीजन 11। अरे क्या राइटर्स है भाई, क्या लिख रहे हो तुम यार, मार खिलाओगे तुम एक दिन। भगवान भरोसे बैंगलोर चेन्नई सीनियर सिटीजन, तुमको मैंने कितनी बारी समझाया यार, इतना सच मत लिखा करो। अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो लोंडो जैसे हमने एमआई वर्सेस आरसीबी की वीडियो में किया था, इस बार भी अपन बैटिंग को 3 कैटेगरीज में रखते हैं। तो भाई लोग पहली कैटेगरी होगी छपरी कैटेगरी, इस कैटेगरी में आएंगे ओपनर। जैसे छपरी लोग लड़कियों को सेट करते हैं ना, ओपनर्स भी अपने मैच सेट कर देते हैं बिल्कुल। तो लोंडो दूसरी कैटेगरी होगी करण जौहर कैटेगरी, इस कैटेगरी में आता है पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर। जैसे कि अपने करण जौहर साहब ना लड़कों में आते हैं ना लड़कियों में आते हैं, वैसे मिडिल ऑर्डर वाले ना ओपनर में आते हैं ना फिनिशर में आते हैं। बोले तो बीच के बंदर है बिल्कुल। तो लोंडो अपनी तीसरी कैटेगरी है जोनी सिंस की कैटेगरी, और इसमें और कोई नहीं अपने फिनिशर्स आते हैं। जैसे कि अपने फिनिशर्स आखिरी के ओवर में बॉलर्स की बुंड तोड़ते हैं, वैसे ही अपने जोनी सिंस आप कुछ ना कुछ तो रोज तोड़ते ही रहते हैं। भाई लोग इतनी में तुम मेरे जज्बात समझ लो, ज्यादा समझाने बैठूंगा यूट्यूब मेरे फावड़े लगा देगा, इतनी में समझ जाओ या पहले से समझ गए। बहुत तेज हो रहा है। भाई लोग शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से जिसमें आते ओपनर्स। तो भाई लोग आरसीबी की तरफ से हमारे साथ है विराट भाई। अरे हाँ यार, अनुष्का मैंने आके के डायपर चेंज कर दिए थे, और उनके कैप्टन फाफ डुप्लेसी। ओम बटालिया बट चामुंडा स्वाहा, शेवपुरी चनापुआ सनील अनी मिया मलकोवा स्वाहा। अबे फाफ ये क्या कर रहा है तू? दाम दाम दंड भेद सब करूंगा, पर इस बार ये एप्पल जीत के रहूंगा। मतलब आप आईपीएल के लिए काला जादू करोगे? अबे तुझे क्या करना, मैं करूँ काला जादू किसी के मुंह पे पादू? ठीक है ठीक है। अबे फाफ सुन मेरी बात, बोल विराट किसको उड़ा दूं? अरे नहीं यार उड़ाना नहीं है, तू बोलते जमीन में गाड़ दूं। अगला ये तू मेरे साथ ओपनिंग करेगा ना? अबे ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ तो फिर ठीक है, अपने दोनों की ओपनिंग जब तक चलेगी तब तक सारे बॉलर्स की गांड जलेगी। तो भाई लो सीएसके से हमारे साथ है ऋतुराज। अबे कहाँ मर गया तू? और कॉनवे, कॉनवे ऋतुराज कॉनवे का है? मुझे नहीं पता यार। मुझे क्या पता मतलब? अबे होती है नहीं पता मतलब नहीं पता, बात करते हैं पर जेब में लेकर थोड़ी घूमता उसको मैं। तो भाई लोग मेरे हिसाब से ओपनिंग का पॉइंट मिलता है आरसीबी की टीम को। ओ बट स्वाहा, ए भाई ये इनको कैसे पॉइंट दे दे तूने ऐसे? क्योंकि पॉइंट मैं जेब में लेके घूमता हूँ। वैसे भाई लोग उड़ती उड़ती बहुत खबर आ रही कि माई भाई भी ओपन कर सकते हैं। फिर भी भाई लोग फाफ डुप्लेसी और विराट भाई जैसी ओपनिंग उनको नहीं मिलने वाली यार, अंगूठा लगवा लो मेरे से। तो अपनी अगली कैटेगरी मिडल ऑर्डर की, तो इसमें आरसीबी की तरफ से हमारे साथ है पट्टीदार, मैक्सवेल और ग्रीन, और सीएसके की तरफ से हमारे साथ है रहाणे, रचिन और शिवम दुबे। तो लोंडो अगर अपन दोनों टीम के मिडल ऑर्डर का डेरिवेशन और इंटीग्रेशन निकाले, मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम का पल्ला भारी है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे पॉइंट नहीं दे सकता तू। अरे रहाणे भाई उनका पल्ला भारी है यार। हम तेरा पैर भारी कर देंगे। अरे हमारी बैटिंग ना बेस्ट है सर जी। अच्छा वो कैसे? अबे यार तूने मेरी पिछले साल की कंसिस्टेंसी नहीं देखी क्या? हाँ मानना पड़ेगा कंसिस्टेंट तो बहुत है ये। देखा मानता ही नहीं, कंसिस्टेंटली T20 में ओडीआई खेलता है ये। राहुल जैसी टेक्निक, सचिन जैसी बैटिंग, एक बेटा दो बाप। हर मैं तो खड़े खड़े छक्के मारता हूँ क्योंकि हिलने के लिए दिमाग चाहिए ना। अबे मिडल ऑर्डर तो हमारी टीम का, तो बैटिंग देखना मेरी बस। हाँ हाँ टेस्ट मैच में बहुत देख ली, इस बार कसम से फाइनल में ना 5 छक्के मारूंगा। अबे होते हो पहले क्वालिफाई तो कर लो। नाम है मेरा कैमरन ग्रीन, ट्रॉफी लूंगा तुम्हारी छीन। ओ आरसीबी के शी जिनपिंग। अबे जा तेरा टॉयलेट जाने का टाइम हो गया। ये देखो मैं किडनी पीने जाने का, तो तू भी आईपीएल ट्रॉफी पीने जाने का। अरे यार इनका फिर से यार, देखो हाँ झगड़ा हो जाएगा इधर। अबे तो हम डरते हैं क्या? एक ज्यादा हो रहा है। अबे क्या कर लोगे तुम? अबे तुमसे ट्रॉफी जीतना तो होता है, मुंह से बकते हो बस। अबे साले मुंह से बुन तोड़ दूंगा तेरी अंडी मंडी संडी। अरे भाई झगड़ा मत करो ना यार, बात तो वैसे सही कह रहा है ये, झगड़ा करने से क्या ही मिलेगा। हाँ हाँ सही तो कह रहा है, मैं द बेस्ट मैन भी, तुमको भी ऑल द बेस्ट। झगड़ा मत करो, इनकाउंटर करो मदर। लोंडो अपनी आखिरी कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी जिसमें आते हैं फिनिशर्स। लोंडो आरसीबी के पास ले देके है 2 फिनिशर्स डीके और लमरोर, और अपने सीएसके के पास भी जोड़ जाड़ के है 2 फिनिशर्स माई भाई और जड्डू। तो लोंडो इस कैटेगरी का पॉइंट किसे मिलेगा ये डिसाइड करना मेरे लिए उतना इजी था जितना मेरे क्रश को मुझे रिजेक्ट करना। बहुत गंदा काट के गई थी कुत्ती। तो लोंडो इस कैटेगरी का पॉइंट मिलता है सीएसके को। ये भाई इसका हर बारी का यार। भाई बहुत हो गई, इस बार भी तूने पॉइंट उनको दे दिया, हमको नहीं दिया। अबे होती है हमको ही मिलेगा ना माई भाई हमारे साथ। अबे तो क्या हमारे पास भी डीके भाई है। अबे होती है माई भाई कुछ भी फिनिश कर सकते हैं। अरे रुक यार माई ऐसा क्या फिनिश कर दिया तूने? मैंने क्या फिनिश किया? तेरा करियर।
वैसे देखा जाए तो डीके भाई भी बहुत कुछ फिनिश कर सकते हैं। अच्छा बेटे, जैसे कि तेरी बुंड। ये बिना बात ठीके, बिल्कुल सही बोला तूने, हमारी बैटिंग बेस्ट है यार। मतलब तूने बोल दिया और हो गया, अबे हम बोलेंगे भी और करेंगे भी। 16 साल से तो कर ही रहे हो तुम। अबे चलना विशल। ए विशल, पुडू पे जाने का नहीं, तू भी इस साला कब नाम दे पी नहीं जाने का। अबे आना डरते क्या तेरे से। जाइची ये नादान प्राणी कितना भी लड़ ले, आखिरी में जीतना तो अंबानी जी के पैसों को ही है। हाँ अंबानी साहब बोलिए। क्या मतलब, रोहित और छपरी की दोस्ती करवा दे।